कोरोना काल में जहां नेता लोग अपने अपने आवासों में आइसोलेट हैं और लोगों से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं सदर विधायक नितिन अग्रवाल अपने क्षेत्र में लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। विधायक नितिन अग्रवाल अपने आवास पर मिले और आए हुए फरियादियों की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं और इस महामारी में लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। विधायक नितिन अग्रवाल ने बताया, उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, क्षेत्रवासियों के लिए 52 CHC पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है और लोगों को दवा राशन आदि का वितरण भी किया गया है। वहीं नितिन अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि इस महामारी में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और जरूरी होने पर ही घर से निकले। तो प्रदेश में और प्रदेश में का देश में ऑक्सीजन की कमी की भारी किल्लत महसूस की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके बाद युद्ध स्तर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी को दूर भी किया। मेरे भी क्षेत्र में मैंने देखा कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी, इसलिए मैंने अपनी विधायक निधि से L2 में सबसे पहले L2 अस्पताल में 4 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट दिया था। करीब 70 लाख की उसकी वैल्यू कीमत थी, लेकिन बाद में जब PM केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट ये पता लगा कि L2 अस्पताल में लगाया जा रहा है तो मैंने उसको अपने 52 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने उसको दिया। देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बचाया नहीं जा सका, नहीं तो अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो उनको बचाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया, सभी जनप्रतिनिधियों ने आगे आए और मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में इसको दिया है। आज उसी का निरीक्षण था, जो कंपनी प्लांट लगाने जा रही थी वो लोग भी आए थे, जिले के जिलाधिकारी भी मेरे साथ में थे और जिले के अन्य अधिकारीगण भी मेरे साथ में थे। और मेरा प्रयास है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक या जून के आखिरी हफ्ते तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाए 52 में, जिससे जो हमें जो आशंका है कि अगर तीसरी वेव भी आएगी तो कम से कम ऑक्सीजन की कमी ना हो और उसकी तैयारी अभी से हो जाए। मैंने अपने क्षेत्र में कल और परसों 2 दिन अपने क्षेत्र के सभी माननीय प्रधान जो जीत कर आए हैं, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया है और मैं इन 2 दिनों में उनसे बात करूंगा और उनसे ये अपील भी करूंगा कि वो अपने अपने ग्राम सभाओं में जाके लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा इलाज है जिसके हम अपनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और अगर हम वैक्सीनेशन का अपने आप को करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। और मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा। समझाने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ अपने हरदोई वासियों से, क्षेत्र के साथ साथ जनपद वासियों से भी और प्रदेश वासियों से भी, कि कोविड के मामले कम हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि जहां एक महीने भर पहले 38,000 केस रोज के आ रहे थे, वहां आज केवल 3,500 केसेस ही रह गए हैं। बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बिल्कुल भी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। हम आगे जो आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, हम बिल्कुल भी लापरवाह ना हों। जो गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना, अपने हाथों को धोना, सामाजिक दूरी बना के रखना, ज़रूरत ना हो ज़बरदस्ती हम लोग भीड़ ना बढ़ाएं, भीड़ के इलाकों में ना जाएं। मेरी व्यापारियों से भी यही अपील है, लोगों से भी यही अपील है, सबसे यही अपील है कि हम कोविड नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जो अब मुझे लगता है कि हम पूरे विश्व में रहेगी, और इसको इससे कैसे सावधानी बरत के हमें अपना जीवन जीना है ये हमें सीखना होगा। तो मेरी यही अपील है कि सब लोग कोविड नियम का पालन करते हुए आगे हम लोग चलें और आगे आने वाली अगर कोई लहर है उसको रोकने के लिए अपना योगदान दें।